नमस्कार दोस्तों, गोयल सोइंग मशीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन में कौन कौन से फुट लगते हैं, उसकी पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। आपके पास अगर जैक, झुक्की, चाइना की कोई भी सिलाई मशीन हो तो ये जितने भी फुट है वो आपके मशीन में लग सकते हैं। ये हम पहले आपको सब फुट खाली बारी बारी बता देते हैं, बाद में कौन से फुट को क्या कहते हैं और कौन से फुट से क्या वर्क होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारा वीडियो एंड तक देखते रहिएगा तो आपको ये सर हर फुट के बारे में जानकारी मिल पाएगी और आप अपने मशीन में कोई भी क्रिएशन वर्क के लिए कौन सा फुट यूज़ करना चाहिए वो आप देख पाएंगे। तो ये अब हम ये हर फुट आपको जो दिख रहे हैं वो बारी बारी आपको उसका क्या फंक्शन से कैसे उपयोग करना है उसके लिए हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। परंतु इतने सारे फुट आपकी लॉक स्टिच मशीन में लगते हैं वो अब हम आपको बताएंगे। कई आदमियों को पता नहीं होता है, उनको खाली इतना ही पता होता है कि मेरे मशीन में खाली सिंगल लेफ्ट राइट फुट और डबल फुट चलता है। ऐसा नहीं है, आपके मशीन में काफ़ी सारे अलग 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 वैरायटी के फुट आप चला पाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ये जो नॉर्मल फुट, ये जो फुट है ये आपको हमने ये 5 फुट बताए हुए। सबसे पहले नंबर का जो फुट है वो आपके मशीन के साथ नॉर्मल फुट आता ही है, ये जो आपके मशीन में लगा रहता है। दूसरा ये जो फुट है ये बिना पूछ वाला, मीन्स के टेल विदाउट टेल प्रेशर फुट है। ये प्रेशर फुट भी नॉर्मली सिलाई मशीन में लगता है, परंतु कई बार कई कपड़े में पीछे लोग कहते हैं कि फंस जाता है तो ये फुट का उपयोग करते हैं बिना टेल वाला। ये जो नॉर्मल फुट आता है वो टेल वाला आता है। इसमें भी आपको काफ़ी अलग अलग प्रकार की वेराइटियाँ मिल जाती है, प्राइस वाइज वो आप खरीद सकते हो। ये आपको हम फुट बता रहे हैं मेड इन जापान, ये आपको 150 रुपये तक मार्केट में अवेलेबिलिटी हो जाती है। ये फुट टेफ्लॉन फुट है, इसलिए आपका ये फुट नीचे से घिसता नहीं है, ये पूरा ब्लैक कलर का फुट आता है। उसके बाद में हम ये लेते हैं चौड़ा फुट, ये नॉर्मल फुट से आपको ये चौड़ा दिखेगा। देखिए हम आपको दोनों बाजू बाजू में रख के देते हैं। कई बार आपके पास कोई जाड़ा वर्क है और आपका कपड़ा कम खींच रहा है तो आप ये चौड़ा फुट लगा के आप उसका काम कर सकते हो। उसके बाद में ये है प्लास्टिक का फुट, टेफ्लॉन फुट बोलते हैं इसको। ये फुट जब लगाया जाता है, जब आपका मटेरियल चिकना हो, जैसे हो गया आपका प्लास्टिक हो गया, बाद में रेगजिन हो गया, लेदर हो गया, तो आपको नॉर्मल फुट पे आप सिलाई करोगे तो वो चीज़ फंसती रहेगी और ये प्लास्टिक पे वो चीज़ आसानी से पसार हो जाएगी। तो नॉर्मल फुट की जगह उस टाइम पे आपको टेफ्लॉन प्लास्टिक फुट लगाना पड़ता है। उसके बाद में ये हमारे हो गए लेफ्ट राइट फुट। अगर आपको 22 रुपये सिलाई माननी है तो एन फुट लगा दीजिए और 2.5 रुपये सिलाई माननी हो तो एलएन फुट लगा दीजिए। ये एन और एलएन दो स्पेशल फुट आते हैं जो आपको ये जीपर के लिए भी काम करता है और नॉर्मल सिलाई के साइड सिलाई के लिए भी काम करता है। ये दोनों फुट जो है लेफ्ट और राइट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। उसके बाद में अगर आप, मैंने जैसे कहा कि आपका कुछ लेदर का या प्लास्टिक का कपड़े का वर्क है तो आपको ये टेफ्लॉन फुट लगाने पड़ते हैं। टेफ्लॉन फुट हर साइज में अलग अलग आते हैं। ये है P363, इसको जीपर फुट भी बोलते हैं। और दूसरा, आपको कोई भी दो वर्क के बीच में पतली सिलाई लगानी हो तो ये पैर का उपयोग होता है और चेन लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे CL132N, इसको बोलते हैं कंपन सेटिंग फुट। ये जो है कंपन सेटिंग फुट कहलाता है, ये एक गाइड वाला फुट आता है। अगर आपको कोई भी सिलाई कोने में कोई भी अलग फैब्रिक्स आपको एक फैब्रिक पे चिपका ना हो तो अगर और उसके कोने पे आपको सिलाई माननी है तो आप ये पैर का उपयोग कर सकते हैं। ये पैर आपको 116, 132, 316, 14,
516 38 हर साइज में अलग अलग मिल जाता है। यहाँ पे सुई गिरती है और ये जो गैप आता है ये एप आप जितना भी जाड़ा लोगे उतनी सिलाई आगे होती रहेगी। इसमें भी लेफ्ट और राइट दोनों फुट आते हैं, ये हमने दोनों फुट रखे हुए हैं। ये देखिए ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड के अलग अलग फुट हैं। उसके बाद में कॉम्पनसेटिंग फुट में CR316E ये हमने सैंपल पे टॉर्क पे रखा हुआ है। अगर आपको दो फैब्रिक ज्वाइन करने हैं और उसको मोड़ के बाद में जो सिलाई मारनी है तो आपको ये गाइड फुट चाहिए, और ये गाइड फुट की वजह से आप उसमें आपकी मन चाही सिलाई गिरा सकते हो। उसमें भी 116 132 316 18 516 38 1/2 हर साइज के फुट आपको मिल जाएंगे। ये जो है ये एक सिरा गाइड की तौर पे काम करता है। ये देखिए ये एडजस्टेबल है, ये आपके फैब्रिक्स को आगे जाने नहीं देगा और आपकी सिलाई परफेक्ट होती रहेगी। इसमें ही मैंने आपको जैसे बोला टेफ्लॉन फुट भी आते हैं, अगर आपका कोई रेक्सिन का काम है तो आप ये टेफ्लॉन शू से काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई डोरी का वर्क करना है, डोरी के वर्क के लिए हमने ये फुट आपको बता रहे हैं P69LH18। ये जो डोरी का गैप है ये 18 मीन्स 3 mm का खांचा हो गया, और दूसरा आता है 14 6 mm का खांचा 3 mm का खांचा आपको जैसे भी चाहिए वैसे ये आपको मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको लेफ्ट और राइट दोनों फुट मिलते हैं, इसमें दोनों टाइप के फुट आते हैं। ये जो डोरी का खांचा है आप लेफ्ट में भी ले सकते हो और राइट में भी ले सकते हो। ये जो है ये P69LH लिखा है मीन्स के उसका खांचा लेफ्ट साइड पे है, और P69RS लोगे तो उसका खांचा राइट साइड पे आएगा। उसके बाद में एक स्पेशल फुट है ये जो गाइड फुट है, जैसे आगे बताया इसका जो फुट है वो ये फिक्स गाइड है, ये आप देख सकते हो ये इसकी गाइड फिक्स है और ये ऊपर नीचे नहीं होती है। ये आपको परफेक्ट कोने पे एकदम पतली 116 की साइज की पतली आपको ये सिलाई मार के देगा। बाद में ये है गाइड फुट, आप कोई भी फैब्रिक पे आपको आपकी सिलाई मशीन जो है वहाँ से आपको कपड़ा रख के परफेक्ट 1 inch की साइड पे सिलाई मारनी है तो ये फुट बहुत ही काम लगता है। इसमें भी लेफ्ट और राइट दोनों मिलता है, ये मैं हम आपको दिखा रहे हैं ये लेफ्ट और राइट दोनों हैं। उसके बाद में ये है ये डाटी प्लेट और डब, ये चीज़ कहाँ पे काम लगती है वो हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का फोल्डर, इसको फोल्डर फुट बोलते हैं, प्लास्टिक का आपने पैटर्न बनाया हुआ है और उसके अंदर आपको सिलाई चलानी है तो ये पैटर्न के लिए ये फुट का उपयोग होता है। इसके बाद में ये आ गया आपका गाइड फुट, इसको भी गाइड फुट बोलते हैं। अगर आपको ये एडजस्टेबल गाइड है, आपको जितने भी छोटी बड़ी करनी है नज़ीक दूर लाना है तो ये आपकी गाइड का काम करेगा और आपकी सिलाई परफेक्ट रहेगी। ये लेफ्ट और राइट दोनों सड़िए के साथ में आता है ये फुट, ये जो चीज़ है। उसके बाद में आपको ये बता रहे हैं जीपर फुट, ये जो है जीपर फुट है, इनविजिबल जीपर लगाने के लिए ये फुट बहुत ही काम करता है, इसको इनविजिबल जीपर फुट भी कहलाता है। इसके बाद में ये है अपना रोलर फुट। कई बार कई फैब्रिक सेटा ऐसा होता है कि आपके नॉर्मल पैर से ये खींच नहीं पाता है, तब ये कई बार कई फैब्रिक जाड़े होते हैं बाद में ये बहुत ही हार्ड होते हैं तो ये रोलर फुट उसको आसानी से खींच लेता है और आपकी सिलाई आसानी से चलती रहती है। ये सब फुट के डेमो हम आपको बारी बारी दिखाने वाले हैं तो हमारा वीडियो एंड तक देखते रहिएगा और उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ये हमारा गेटर फुट, ये गेटर गिराता है, इसमें दो टाइप के गेटर फुट आते हैं। ये देखिए ये जो फुट है वो खाली आपको सिंगल फैब्रिक पे गेटर करके देगा, ये इसको दबाने से आपकी गेटर में इफेक्ट गिरेगा। और ये जो फुट है इसका फर्क इतना है कि इसके बीच में से आप फैब्रिक्स भी पसार करके गेटर कर पाएंगे और नीचे की फैब्रिक्स पे गेटर होता रहेगा और ऊपर एक फैब्रिक्स और चिपकता रहेगा। ये दो टाइप के अलग अलग गेटर फुट है, इसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं तो आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और प्रेशर फूड के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो है ये प्रेशर फूड है, इलास्टिक, इसको इलास्टिक प्रेशर फूड भी बोलते हैं और लेस फूड भी बोलते हैं। ये जो खांचा है वो एक खांचा में से आप इलास्टिक, पतला इलास्टिक डाल के आपके कपड़े पे इलास्टिक लगा सकते हो और इसको आप लेस पट्टी भी लगा सकते हो। ये आपको हर साइज़ में मिल जाएगा। ये 1/8 की साइज़ का है। ये आपको 1/8, 3/16, 3/8, 1/2, 5/16 हर साइज़ में आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाता है। हमारे वहाँ से भी आपको ये सारे फूड मिलेंगे। तो ये नीचे गए दिए नंबर पे आप कॉल करके ये सब के प्राइस हमारे व्हाट्सअप पे आप पा सकते हो। हमें आप मात्र व्हाट्सअप कीजिए, कॉल ना करिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, हम सब कॉल पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट वही है कि आप हमको मात्र व्हाट्सअप करें, आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया एक प्रेशर फूड है। ये जो इसको बोलते हैं रोलर फूड, इसको भी रोलर फूड बोलते हैं। ये कई फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो जैसे प्लास्टिक हो गया, रेक्जिन हो गया, तो ये प्रेशर फूड से ये आसानी से ये घूमता रहेगा और रेक्जिन को चिपका के राउंड से घुमाता रहेगा और आपका फैब्रिक्स आसानी से स्मूथली वर्क करेगा। तो ये रोलर फूड भी बहुत ही काम लगता है। ये हो गया आपका फोल्डर फूड। ये फोल्डर फूड है, कई बार आप डोरी पाइपिंग फोल्डर या नॉर्मल पाइपिंग फोल्डर लगाते हो तो ये फूड लगाना होता है। ऐसे तो ये फूड आपके फोल्डर के साथ में आते ही है, परंतु हमने एक आपके नॉलेज के तौर पे ये फूड रखा हुआ है कि ऐसा फूड भी आपको आता है और ये फोल्डर फूड कहा जाता है। उसके बाद में अगर आपको हेमिंग करनी है, ये जो है हेमिंग फूड, ये हेमिंग फूड बहुत ही काम लगता है। ये आपको फॉल बीडिंग, फॉल बनाना हो या कुछ भी कपड़े को मोड़ना हो तो ये एक हेमिंग करता है। ये हेमिंग फूड भी बहुत ही काम लगता है। तो ये भी आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाएगा, 1/8, 3/16, 1/4 हर साइज़ में आपको ये फूड अवेलेबल मिलता है। तो हमारे ये आप सब फूड की जानकारी कैसी लगी, अगर आपको रिक्वायरमेंट तो आप मेरे को हमको कॉल कर सकते हो और हमारी चैनल पे जाके हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम ये सब फूड के बारी बारी वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।